हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लासिक्स केमिस्ट्री चैप्टर 4 एलिमेंट कंपाउंड सिंबल्स एंड फार्मूला का पार्ट 3 देखने वाले। एक्चुअली पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और ये पार्ट 3 एंड लास्ट लेक्चर होने वाली चैप्टर की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में ना 3 एक्सरसाइज हैं क्वेश्चन आंसर के। तो एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी अपलोड हो गई है। एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका एक्सरसाइज 1 है, इसके भी क्वेश्चन आंसर अपलोड हो गए और सॉल्यूशन की जो वीडियो है, और फिर साथ साथ एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसका भी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड चैनल पे हो गई। लेक्चर वीडियो पार्ट 2 के साथ ही एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन आंसर है सॉल्यूशन का, वो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर लिया है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2 के बाद यूजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज जो है वो देखने वाले, साथ ही साथ समझने वाले। और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली, और हो सकता है एट द एंड हम लोग एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और एज यूजुअल, यदि चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और अपने क्लास से रिलेटेड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस के वीडियो आप पाते रहे। और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो न्यू वीडियो आपके साथ शेयर की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट होगा पेज नंबर 48 से, और जो टॉपिक हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एलिमेंट्स का यूज देखने वाले और फिर समझेंगे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इन एलिमेंट्स का यूज कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपको पढ़ने होते हैं वो 118 होते हैं, और उन 118 एलिमेंट से आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ इंग्यूज होकर के बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स का निर्माण करा जाता है, बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है इन 118 एलिमेंट से। और जितने सारे सब्सटेंसेस आप अपने आसपास में देखते हो, सब्सटेंसेस कहने का मतलब सामान जो देखते हो, मैटर जो आप अपने आसपास में देख रहे हो, चाहे वो आपका फोन है, चाहे वो ट्राइपॉड हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चार्जर हो, चेयर हो, बेंच हो, इवन घर में जितने सारे इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो, वो सभी का सभी निर्माण जो फॉर्मेशन है वो सभी 118 एलिमेंट के मिलने से ही हुआ है। अलग अलग रेशियो में, चाहे अलग अलग के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ फॉर्मेशन करने की वजह से इन सारे कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस का जो है फॉर्मेशन हुआ है। तो इन सारे सब्सटेंसेस का जो यूज है वो अलग अलग होती है। तो चलिए कुछ कुछ का हम लोग यूज देखते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाता है और उसके बाद हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन प्योर फॉर्म में है, कौन इम्प्योर फॉर्म में है, कौन किसी दूसरे के साथ मिक्स किया हुआ है। एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, सिंस दे कंस्टिट्यूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर डिफर फ्रॉम अनदर इन देयर प्रॉपर्टी। देखो तो एलिमेंट्स चूंकि अलग अलग है, इसलिए एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड जब मैटर बनते हैं, तो उसके भी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ देयर यूज इन आवर डेली लाइफ। तो उसका यदि प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो हमारे डेली लाइफ के जो यूज हैं वो भी तो अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन मतलब ये जो तवा है जिसपे हम लोग यूज करते हैं चीजों को फ्राई करने के लिए, तलने के लिए, जो कि बना हुआ होता है आपका स्टील से, बट इसका जो हैंडल है वो बना हुआ है वुड का या फिर प्लास्टिक का। देख रहे हो एक मैटर है तो ये बना हुआ आपका स्टील का, और ये जो हैंडल है वो बना हुआ है प्लास्टिक और वुड का। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टील जो है एक गुड कंडक्टर है हीट, स्टील जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का। तो इसका जो हैंडल है यदि वो भी मेटल का बना हुआ है तो हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते गर्म हो जाने की वजह से, इसलिए जो तवे की तो इस तरह के जो बर्तन होते हैं जिसे हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं उसके हैंडल्स जो है वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक बैड कंडक्टर है, वो इंसुलेटर होता है, उसमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी और साथ में बोलो तो आपका जो हीट एनर्जी वो पास नहीं कर सकती है। तो इसी तरह के कुछ सब्सटेंसेस जिसका यूज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, और उसी को आज हम लोग आज की इस लेक्चर में समझेंगे। तो सम ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ यूज आर मेंशनड बिलो। तो पहला जो सब्सटेंस है हमारे पास वो है गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर। ये काफी महंगी और कीमती धातुएं हैं और काफी ज्यादा फेमस है हमारे आसपास में, लोग इसे पाने की चेष्टा रखते हैं। ये क्या है, लसस होती है, यानी ये साइन करती है, दे साइन एंड लुक वेरी अट्रैक्टिव। ये जो एलिमेंट्स है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, सो साइनिंग होती है। और इसका जो यूजेस है वो हम लोग ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ज्वेलरी मतलब सोने चांदी की, आप देखते हो ना शादी वगैरह में जो लोग होते हैं वो पहनते हैं, या फिर अलग अलग फंक्शन में पहनते हैं ज्वेलरीज, तो ज्वेलरीज बनाने में हम लोग उसका यूज करते हैं। दे कैन ऑल्सो रिमेन इन फ्री स्टेट। और ये जो एलिमेंट्स है वो नेचर में फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब ऐसे
जैसे आप बालू देखते हो, मिट्टी देखते हो ना, ऐसे पहाड़ पत्थर खुले आसमान में मिल जाते हो, उसी तरह जो आपका मेटल है ना, जैसे गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर है, ये आपको ओपनली धरती पे देखने को मिल जाता है, ये किसी दूसरे के साथ कंबाइंड किया हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं टू मेक अटेंसिल्स इलेक्ट्रिक वायर ईटीसी। तो इसका यूज हम लोग बेसिकली करते हैं अटेंसिल्स आने के बर्तन बनाने में और इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। नेक्स्ट इज कॉपर, तो कॉपर जो है वो मिक्स किया जाता है दूसरे मेटल के साथ, जैसे कि जिंक हो गया और टीन हो गया, और कॉपर को इनके साथ मिलाने के बाद जो मिक्सर्स बनता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रास एंड ब्रोंज, विच आर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। तो ये क्या हो जाती है, आपस में मिक्स होने के बाद ये मेटल जो ब्रॉन्ज और ब्रास बनता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, यानी ज्यादा टाइम तक ये टिक सकता है और ये चीज जल्दी से खराब नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग ब्रास एंड ब्रॉन्ज का जो है वो यूज करते हैं स्टैचूज बनाने में, अटेंसिल्स बनाने में, डोनोब्स बनाने में, हैंडल, मशीन पार्ट्स, टैप्स एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वगैरह बनाने में हम लोग ब्रास एंड ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। ब्रास एंड ब्रॉन्ज को हम लोग हिंदी में कांसा और पीतल कहते हैं, तो आई थिंक आप अपने आसपास में इसको समझ सकते हो, आप इन वर्ड से फैमिलियर होंगे। नेक्स्ट इज आयरन, भाई आयरन के बारे में तो आपको काफी अच्छे से पता होगा, आयरन मतलब लोहा, और लोहे का यूज करते हैं हम लोग गेट बनाने में, दरवाजा बनाने में, गाड़ियां बनाने में, और बहुत बड़ी बड़ी और हैवी मशीन्स बनाने में। ये एक ऐसी मेटल है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इजिली अवेलेबल एलिमेंट्स है, इसका यूज करते हैं हम लोग हैवी टूल्स और मशीन बनाने में। नेक्स्ट इज डायमंड, भाई डायमंड सुन के तो भाई लोगों के समझ रहे हो ना दिमाग की बत्ती जल जाती है, और इसे पाने की काफी ज्यादा चेष्टा करती है, चाहता है कि डायमंड हमारे पास भी, चूंकि ये बहुत ही हार्डेस्ट नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस है। दुनिया में जितनी सारी चीजें आप नेचुरली पाई जाती है उसमें से सबसे ज्यादा कोई हार्ड है तो वह डायमंड, और ये काफी ज्यादा ब्रिटल और साइन करता है, मतलब इसे गिराओ तो टूट फूट सकता है लेकिन साइन भी उतना तेज करता है। और ये बिल्कुल प्योर डायमंड जो है वो यूज करा जाता है जेम्स बनाने में, while impure diamond is used to cut glasses। देखो तो जो डायमंड प्योर है ना इसका यूज करते हैं जेम्स बनाने, जेम मतलब ना देखना आपका भी अपने आसपास में लोग अंगूठी पहनते हैं ना जो रिंग्स रहते हैं, तो रिंग्स के ऊपर में जो स्टोन लगी हुई होती है वो बहुत बार जेम्स की बनी रहती है। और दूसरा जो यूज है डायमंड का, इम्प्योर डायमंड का यूज करते हैं हम लोग ग्लास कटिंग में। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो है वो मार्क करता है ब्लैक कलर पेपर में, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं पेंसिल बनाने में, और साथ ही साथ ग्रेफाइट का यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब आपने ग्रीस और मोबिल के बारे में सुना होगा, जिसका यूज गाड़ियों में करा जाता है ताकि व्हील्स वगैरह अच्छे से फ्रीली मूव कर सके, तो उसी तरह हैवी मशीन जहाँ पे होती है ना, बड़ी बड़ी मशीन है, वहाँ पे लुब्रिकेंट्स के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है गर्म होने से पिघलता नहीं है। नेक्स्ट इज कोल, वुड एंड नेचुरल गैसेस, तो कोल, वुड एंड नेचुरल गैसेस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बेसिकली इसका यूज करते हैं हम लोग हीट एनर्जी को लेने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से जो है वो अपना डेली नीड्स जैसे कि कुकिंग करनी हो और बाकी जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर, तो वाटर एक कंसिडर करा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे चीज आप चाहो तो मिक्स करा सकते हो, और इसमें बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस अराउंड इन ब्लड इन एनिमल्स एंड एज अ सैप इन प्लांट्स। प्लांट्स में, एनिमल्स में वाटर जो है वो ब्लड को कैरीज करता है, क्योंकि ब्लड जो है वाटर में इजिली सॉल्युबल होता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंस, बहुत सारे तरह के सॉल्यूशंस दवाइयां वगैरह बनाने में भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं। और डे टू डे लाइफ में तो वाटर का क्या यूज है आपको पता ही है, इसमें बाथिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, ड्रिंकिंग करनी है, और बोटिंग करनी है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप खुद जानते हो वाटर के बारे में। नेक्स्ट इज प्लास्टिक, तो भाई प्लास्टिक देखो एक बहुत ही अलग चीज है, तो प्लास्टिक का यूज हम लोग क्या चीज करने है? प्लास्टिक का यूज हम लोग बेसिकली करते हैं कैरी बैग के रूप में, यानी जब भी आपको बाजार जाने तो झोला लेके नहीं जाना है, बस मार्केट जाओ और प्लास्टिक में सामान बोझ के लेके आ जाओ, तो ये भाई प्लास्टिक हो गया। दूसरे जितने सारी चीजें आप अपने आसपास में यूज कर रहे हो, इवन आपका फोन है, फोन के बहुत सारे पार्ट्स जो प्लास्टिक के बने हुए थे, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज है जो सस्ती होती है और काफी मजबूत भी होती है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक के बने हुए चीजों का यूज करते हैं। तो ये दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लास्टिक होते हैं, कुछ का यूज हम लोग बैग बनाने में करते हैं, कुछ हैं जिसका शूज बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, बैट्स बनाते हैं, टायर बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, और अनब्रेकेबल अटेंसिल्स, नॉन स्टिक कुकवेयर, इटीसी वगैरह प्लास्टिक्स का बनाते हैं। प्लास्टिक्स का ना काफी सारा यूज हो गया आजकल, जितनी सारी चीजें अपने आसपास में देखते हो उसमें मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आपको जो नजर आएंगे ना वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज सैंड, सैंड बोले तो आपका जो नदी में रहता है वो बालू, और ये कंपाउंड है विच इज यूज टू प्रिपेयर ग्लासेस, और इसका यूज करते हैं हम लोग ग्लास बनाने में और अपने घरों को सजावट करने। नेक्स्ट
एंड आई थिंक लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक में पढ़ने वाली चीज है वो है ऑर्गन एंड नियॉन। और ऑर्गन एंड नियॉन एक आपका नॉन रिएक्टिव गैस जिसे नोबल गैसेस कहते हैं वो है, और इसका यूज करते हैं हम लोग बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होती है उसमें इन गैसेस को यूज करा जाता है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ टंगस्टन, क्योंकि ये जो गैसेस है वो किसी के साथ रिएक्टिंग करती है, तो बल्ब में जो टंगस्टन होती है जहाँ से लाइट एमर्ज होती है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, और इस तरह से जो टंगस्टन है वो सेफ होता है। नीचे नोट में लिखा हुआ है कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट कार्बन। देखो डायमंड है, ग्रेफाइट है या फिर कोल है, ये सब के सब कार्बन ही है, बस कार्बन में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग होती है। और चूंकि अरेंजमेंट अलग अलग है इसीलिए डायमंड, ग्रेफाइट और कोल भी कार्बन का होते हुए भी अलग अलग फॉर्म में है। तो भाई ये सीन है, लास्ट में रिकैप्चुलेशन है, और ये चाहो तो आप खुद से स्टडी कर सकते हो, काफी इजी वे में जो है वो सारी चीजें इसमें लिखी पड़ी है। देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट में मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स का डेफिनेशन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम कॉम्बाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये सब चीजें। तो एक्सरसाइज 3 का जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हो सकता आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काम की रही होगी। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे सकी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ ये वीडियो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।